हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टंग की टेस्ट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जब मन बच्चा कोई छोटा सा पैदा होता है तो उसके जो टंग होती है, ठीक है, उसमें करीब 10,000 टेस्ट बड्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ये टेस्ट बड्स कम होती जाती हैं और लगभग एडल्ट पर्सन में, ओल्ड पर्सन में करीब 5,000 टेस्ट बड रह जाती हैं बस। ठीक है, तो द टेस्ट बड डिटेक्ट ओनली 5 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट बड्स होती हैं ये 5 तरह के स्वादों को टेस्ट करती हैं, 5 तरह के स्वाद को चख सकती हैं। नो मैटर व्हाट वुड यू ईट, ये मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं। जो टेस्ट बड्स होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी, मीन्स मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। ठीक है, लेकिन जो फिफ्थ टाइप की टेस्ट बड होती है उमामी, ये आपका जो है ये उमामी जापानीज वर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीसियस, बोलते हैं ना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया भोजन है भाई। ठीक है, तो ये इस टाइप, मतलब ये कोई खट्टा मीठा नमकीन नहीं, एक मिक्स है पूरा, और हम लोग बोलते हैं ना भाई लजीज भोजन बना हुआ है, स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस। ठीक है, अ फिफ्थ टेस्ट कॉल्ड उमामी रिजल्ट फ्रॉम टेस्टिंग ग्लूटामेट। ईच टेस्ट बड इज मेड अप ऑफ टेस्ट सेल, जितनी भी आपकी टेस्ट बड होती हैं वो टेस्ट सेल से मिलकर बनी होती हैं, विच हैव सेंसिटिव माइक्रोस्कोपिक हेयर्स कॉल्ड माइक्रोविली। इन सभी के सभी टेस्ट बड्स पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोविली कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोविली। दीज टिनी हेयर्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ये जो टिनी हेयर्स हैं, छोटे छोटे बाल से हैं, रोए जैसे हैं, ये आपके ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं, विच इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स एंड आइडेंटिफाइंग द टेस्ट, जो इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में उन्हें तोड़ते हैं और फिर ये बताते हैं, पहचानते हैं इसको कि टेस्ट किस टाइप का है। साइंटिस्ट अर्लियर थॉट दैट द टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द टंग। साइंटिस्ट ये सोच रहे थे, उन्होंने ये टेस्ट भी, मतलब प्रैक्टिकल चल रहा था उनका, रिसर्चेस चल रही थी, कि जो टेस्ट बड्स होती हैं ये पर्टिकुलर फिक्स एरिया में होती हैं, कि जो खट्टा स्वाद चखेंगी वाली टेस्ट बड एक साइड में होती हैं, जो मीठा स्वाद बताती हैं वो एक तरफ होती हैं, जो कड़वा बताती हैं वो एक तरफ, जो नमकीन बताती हैं वो एक तरफ। ठीक है, नाउ इट इज़ प्रूव दैट ईच टेस्ट बड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट, बट ये प्रूव हो चुका है कि जो टेस्ट बड होती हैं वो हर तरह का स्वाद बता सकती हैं, ये कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जो केवल आगे का भाग यही वाला स्वाद बताएगा। ठीक है, जीभ में कहीं भी टेस्ट बड होगी वो हर तरह का स्वाद बता सकती हैं। ओइसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, तो देखिए अपने माउथ कैविटी के बाद, सेकेंड पार्ट था हमारा ईसोफेगस, माउथ कैविटी के बाद हम खाने को निगलते हैं, जब निगलते हैं हम लोग तो वो खाना जिस रास्ते से होकर स्टमक तक पहुंचता है वो पूरा रास्ता गले से लेके स्टमक तक का, ठीक है, ये पूरा कहलाता है ईसोफेगस। द माउथ कैविटी और बकल कैविटी ओपन्स इन अ पाइप लाइक पासेज, ठीक है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती है जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, और इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। द फूड पाइप रन्स थ्रू द चेस्ट पैरेलल टू द विंड पाइप इन नेक, जो हमारे गले में विंड पाइप होता है जो हम लोग सांस लेके जाते हैं, उसके पैरेलल होते हुए चेस्ट से होते हुए स्टमक तक जाता है। इट इज़ अ पैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग इन स्टमक, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस में कोई भी किसी भी टाइप का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता,
पहला डाइजेशन कहाँ हुआ था? माउथ में ही हुआ था, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवरी एमाइलेज आया था, कल बताया था आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो ईसोफेगस है इसमें किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता। इट्स मस्कुलर वॉल्स मूव इन अ वेव लाइक मैनर टू पुश द फूड टूवर्ड्स स्टमक। मीन्स जो आपका खाना है इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, देखिए बीच बीच में फूल रही है ना बेटा, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट होता है इसमें, जैसे यहाँ से अब पिचकी हुई है, मतलब यहाँ से कंट्रैक्ट है, दबी हुई है, ये यहाँ से अब फूलेगी, ठीक है, और पीछे की तरफ से पिचकेगी। इस तरीके से खाना आगे बढ़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब पाइप में कोई चीज़ फंस जाती है तो हम लोग पीछे से उसे पुश करते हैं तो वो चीज़ हमारी आगे की तरफ निकलती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ओके, हो सकता है आगे दिया हो। वेव लाइक मैनर में ये पुश करता है फूड को आगे की तरफ टूवर्ड्स स्टमक, ठीक है। दीज मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टलेसिस, ठीक है, पेरिस्टलेसिस। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है। स्टमक, बट आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टमक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।